हाय गाइज, वेलकम बैक टू सुमन चैनल। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों हम आपको इस वीडियो में चंडीगढ़ का टूर देने वाले हैं, साथ ही में हम आपको यहाँ का जो फेमस रेस्टोरेंट है पाल ढाबा, इसके बारे में भी बताने वाले हैं। ये रेस्टोरेंट चंडीगढ़ की जान है, चंडीगढ़ की शान है। यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी आकर खाना खा चुके हैं, जिसमें बी प्राग जैसे सिंगर और सोनू सूद जैसे सुपरस्टार भी शामिल है। तो वीडियो आज का बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलना। तो चलिए दोस्तों कोई भी देरी ना करते हुए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सुपना लेक को 1958 में बनाया गया था और इसे प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बुजे और पीएल वर्मा ने डिजाइन किया था। यह झील हिमालय से बहनी वाली सुपना चोई नामक बरसाती नदी को बांधकर बनाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य चंडीगढ़ के लोगों को एक सुंदर और शांतिपूर्व स्थान प्रदान करना था। साथ ही आपको यहाँ पर ढेर सारे एक्टिविटीज भी करने के लिए मिलेंगी, जैसे कि बोट राइड हो गई। दोस्तों बच्चों के लिए यहाँ पर अम्यूजमेंट पार्क भी है। अगर आपको यहाँ पर अपनी स्केच निकालना हो तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। दोस्तों इसके रेट्स 300 to 500 तक है, तो अगर आपको यहाँ पर अपनी स्केच निकालना हो तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। और ये भटिंडा अम्यूजमेंट पार्क है। दोस्तों यहाँ पर आप बच्चों के साथ आकर अपना अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो। दोस्तों सुपना लेक ये चंडीगढ़ की बहुत ही प्रचलित लेक है और यहाँ पर दिन भर सैलानियों का आना जाना शुरू रहता है। और यहाँ पर अगर आपको बोटिंग करना हो तो लग्जरी क्रूज अवेलेबल है। लग्जरी क्रूज के यहाँ पर प्राइस है 350 रुपीज़ और स्मॉल बोट की प्राइस है 100 रुपीज़। तो आप यहाँ पर आ सकते हो दोस्तों। दोस्तों अभी हम चंडीगढ़ के रॉक गार्डन में आए हैं। दोस्तों इस रॉक गार्डन को 1957 में नेक चंद सैनी ने बनाया था और इस रॉक गार्डन को 1976 में जनता के लिए खोला गया था। दोस्तों नेक चंद सैनी जी ने इस रॉक गार्डन को बनाने के लिए कचरे और टूटे हुए सिरेमिक और कांच, टाइल्स, बर्तन और औद्योगिक या घरेलू कचरों का उपयोग करके यह गार्डन उन्होंने बनाया था। दोस्तों इस रॉक गार्डन में कई छोटे छोटे मार्ग, पुल, झरने और मूर्तियां शामिल है। दोस्तों यह रॉक गार्डन 40 एकड़ में फैला हुआ है। दोस्तों इस रॉक गार्डन में मानव और पशु की आकृतियों की मूर्तियां शामिल है। दोस्तों अगर आपको यहां पर आना हो तो सुबह जल्दी आए। दोस्तों इस रॉक गार्डन की एंट्री टिकट 30 रुपीज अडल्ट्स है और 10 रुपीज चिल्ड्रंस है। दोस्तों अभी हम चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में आए हैं, यहां रामचाट भंडार में। दोस्तों ये रामचाट भंडार चंडीगढ़ में बहुत ही मशहूर है अपने चाट के लिए। ये आलू चाट हमने 60 रुपीज़ की मंगाई थी और दोस्तों ये आलू चाट आपको दिखने में जैसे दिख रही है, टेस्ट में भी आपको वैसी मिलेंगी। इसका सर्विंग करने का अंदाज बहुत ही अलग था। तो आप यहाँ पर आ सकते हो और आप यहाँ की आलू चाट ज़रूर ट्राई कीजिए। और साथ ही हमने यहाँ के मोमोज ट्राई किए। मोमोज भी नो डाउट बहुत ही अच्छे थे। दोस्तों ये मोमोज हमने 80 रुपीज़ के मंगाए थे। दोस्तों ये तंदूरी चिकन बहुत ही टेम्प्टिंग था, जैसे दिख रहा था टेस्ट भी वैसा ही था। खाने में आपको यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो दोस्तों आप यहाँ पर आ सकते हो और ट्राई कर सकते हो। फिर नेक्स्ट डे दोस्तों हम पाल ढाबा यहाँ गए। पाल ढाबा दोस्तों चंडीगढ़ में और दुनिया भर में अपने टेस्ट के लिए जाना जाता है और साथ ही दोस्तों यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी आकर खाना खाकर गए, जिसमें तमिल सुपरस्टार सूर्या शामिल थे, ऋषि कपूर जी, बी प्रांग जैसे सिंगर और अपने फेमस और सबके चहेते रणबीर कपूर भी आकर खाना खाकर गए। फिर हम कैसे पीछे रहे, तो हमने भी यहाँ पर खाना खाने के लिए सोचा। तो जैसे हमने इसके बारे में हाइक देखी थी और वैसे ही हमने पाई। दोस्तों ये खाना खा
देखकर हमें बहुत ही मज़ा आया, तो आप यहाँ आ सकते हो और अपना एक्सपीरियंस कर सकते हो। बहुत ही अच्छी टेस्ट है। अभी हम दोस्तों चंडीगढ़ के एयरपोर्ट पर आए हैं। हम यहाँ से दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।